न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को डोमिनेंट करके दो टेस्ट मैच की सीरीज में हरा दिया है। पहला टेस्ट सीरीज तो वैसे ड्रॉ हो गया था, वो भी बारिश की वजह से, जो डे थर्ड में आ गई थी। बट सेकंड टेस्ट मैच में कोई नहीं बचा पाया, डोमिनेंटली न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा दिया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि न्यूजीलैंड थोड़े एडवांटेज के साथ उतरेगी इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। तो क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे न्यूजीलैंड के इंडिया के अगेंस्ट, तो उस बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। न्यूजीलैंड के स्ट्रॉन्ग पॉइंट से स्टार्ट करें तो पहला तो ऑब्वियसली यही हो सकता है कि उनकी मैच प्रैक्टिस हो चुकी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से फाइनल। देखो, टीम इंडिया अभी प्रैक्टिस कर रही है, बट प्रैक्टिस और मैच प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन से प्लेयर्स फॉर्म में है, कौन से प्लेयर्स डोमिनेट कर सकते हैं, कौन से प्लेयर प्रेशर को संभाल सकते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि इंग्लैंड की क्राउड कैसी है, उसकी 12वीं आर्मी कैसी है, कितना प्रेशराइज करती थी आपको। 70,000 क्राउड पूरा बू कर रहा था जब न्यूजीलैंड विकेट्स ले रहा था, रन मार रहा था, बट स्टिल उन्होंने मैच प्रैक्टिस की न्यूजीलैंड ने अच्छी। इसलिए फर्स्ट पॉइंट तो ये सम अप करके रहेगा कि उनकी मैच प्रैक्टिस हो चुकी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से फाइनल से पहले। अगर आप न्यूजीलैंड टीम की बात करें तो स्क्वाड और साथ में उनकी बेंच स्ट्रेंथ की बात तो जरूर करनी पड़ेगी। जिस तरीके से सारे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे स्क्वाड के हों, चाहे प्लेइंग 11 के हो, चाहे बेंच के हो, उनको जैसे ही मौके दिए जा रहे हैं वो अपने को परफॉर्म करके दे रहे हैं। केन विलियमसन इंजर्ड हो गए थे, उनकी जगह विल यंग को खिलाया गया, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म करा, उनके थर्ड मैच में उन्होंने 50 मारी। और साथ में काइल जेमिसन जैसे प्लेयर की जगह मैट हेनरी ने रिप्लेस किया, बट उन्होंने भी बहुत अच्छे स्पेल डाले और साथ में विकेट भी ला के दिए, जिससे प्रूफ होता है कि उनके पास बहुत तगड़ी लाइनअप है जिसको वो खिला सकती है WTC के फाइनल में। और इंडिया को बॉलिंग, चाहे बैटिंग चाहे फील्डिंग, बहुत दिक्कत देने वाली है न्यूजीलैंड की ये स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11। और इससे दिक्कत की बात ये है कि सारे टीम मेंबर्स उनके अच्छे परफॉर्म कर रहे, तो आप किस किस को आउट करोगे और किस किस के स्पेल खेलोगे। तो इंडिया के लिए बहुत तगड़ा कंटेंडर मिल गया है न्यूजीलैंड, जिनके सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन किस पे भरी। तीसरे नंबर की स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट की बात करें तो उन्होंने खुद ने ऑब्वियसली खुद के लिए बना लिया। न्यूजीलैंड ने रेस्ट ले लिया है, जल्दी टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा जिसके बाद उनको आराम से रेस्ट करने का मौका मिलेगा, थोड़े ज़्यादा दिन मिल जाएंगे 18 तारीख से पहले उनको रेस्ट करने के, और वो प्लेयर्स को समअप कर सकते हैं, रिकवरी जल्दी कर सकते हैं।